राष्ट्रीय पर्यटक दिवस के उपलक्ष्य पर महाराष्ट्र पर्यटन विभाग द्वारा कैरवान हेरिटेज टूर का आयोजन किया गया था, जिसके तहत रामटेक स्थित कपूर बावड़ी, मंसर स्थित उत्खनन स्थलों की जानकारी साझा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी आर विमला द्वारा कैरवान का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय पर्यटक दिवस के उपलक्ष्य पर महाराष्ट्र पर्यटन विभाग द्वारा कैरवान टूर का आयोजन किया गया था, जिसके तहत रामटेक स्थित कपूर बावड़ी, मंसर स्थित उत्खनन स्थलों की जानकारी साझा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी आर विमला द्वारा कैरवान का उद्घाटन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी आर विमला द्वारा शहरवासियों को राष्ट्रीय पर्यटक दिवस की शुभेच्छा देते हुए युवाओं से टूरिज्म से जुड़ने की बात कही, ताकि युवाओं को रोजगार मिले। नागपुर वासियों को सबसे पहले राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की मनोपूर्वक शुभेच्छाएं हैं, और मैं समझती हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो ये टूरिज्म डे भी है और वोटर्स डे भी है, तो दोनों जो हम लोग यूथ को अपील करते हैं, तो इससे अच्छा मौका मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यूथ को कैसे अपील किया जाए कि इस टूरिज़्म के साथ जुड़ जाए। जैसे कैरावैन के लिए गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी बनाई है, जिसमें वो प्रमोट कर रहे हैं कि जो अपना कैरावैन टूरिज़्म के साथ लोगों को अलग अलग स्थल पर ले जाए, तो GST एग्जेम्पशन हो, लाइट के इलेक्ट्रिसिटी बिल में एग्जेम्पशन हो, पार्किंग की उनको सुविधा हो, तो अलग अलग तरीके से हम प्रमोट करेंगे। और आज का जो हमने ये कैरावैन का इनॉग्रेशन रखा है, राहुल जी मुझे लगता है 4-5 साल से ये इस बिजनेस में है, और मुझे लगता है उन्हें शायद बहुत अच्छा लग रहा होगा कि गवर्नमेंट अब ये पॉलिसी बनाई है, क्योंकि उनको भी इस तरह का सपोर्ट जब मिलेगा तो हमारा इस बिजनेस में लोग और जुड़ जाएंगे और उन्हें भी इसे और अच्छा करने में और सुविधाओं को और बेहतर करने में सपोर्ट मिल सकता है। इस टूर के दौरान पर्यटन संचालक के संचालक प्रशांत सवाई द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की शुभेच्छा दी गई और साल के पर्यटन दिवस थीम की जानकारी दी गई, जिसमें ग्रामीण एवं कृषि पर्यटन थीम पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय पर्यटन दिनानिमित्त अपना सर्वांस हार्दिक शुभेच्छा। आपण या वर्षीची जी थीम दिलेली आहे राष्ट्रीय पर्यटन दिनानिमित्त, ती आहे ग्रामीण आणि कृषी पर्यटन, ग्रामीण आणि समुदाय पर्यटन, अशी ती थीम आहे। यावर आधारित आपण जे विविध कार्यक्रम नागपूर प्रादेशिक कार्यालयातर्फे आयोजित केलेले आहेत, त्याच्यामध्ये आपण काल एक चंद्रपूर जिल्ह्याचा कृषी अधिकाऱ्यांचा एक वेबिनार घेतला, ज्यामध्ये आपण कृषी पर्यटन योजनेबाबत माहिती दिली जी ग्रामीण टुरिझमशी संबंधित आहे, आणि आज 3 विविध कार्यक्रम घेतले। त्यामध्ये एक कार्यक्रम होता की कॅरॅव्हॅन पर्यटन आणि हेरिटेज, तर आम्ही कॅरॅव्हॅनमधनं हेरिटेज टूर इथल्या काही स्थानिक जे वृत्तपत्र प्रतिनिधी आहेत, माध्यमांचे प्रतिनिधी आहेत, त्यांना इथे करवलेलं आहे, आणि इथे एक कृषी पर्यटन केंद्र आहे, तिथेसुद्धा एक अनुभव आम्ही तिथल्या लोकांचा त्यांना दिलेला आहे। तसंच आपण या निमित्तानं जे हेरिटेज टूर आपण कंडक्ट करतो आहे, त्या हेरिटेज टूरमध्ये आपल्याला आज कपूर बावडी इथे आपण आलेलो आहोत। ही कपूर बावडी हे अतिशय प्राचीन असं एक आर्किओलॉजिकल साईट आहे, आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या अंतर्गत ही येते, आणि जुनं हेमाडपंथी अशा प्रकारचं हे मंदिर या ठिकाणी आहे, आणि याचं स्ट्रक्चर अतिशय देखणं अशी ही साईट आहे। तर इथे काही गाईड्स पण आमच्यासोबत आहेत, जे याची इत्यंभूत ऐतिहासिक माहिती आपल्याला पूर्ण देत आहेत। यानंतर आम्ही विविध कार्यक्रमामध्ये परत आणखी आज सायंकाळी सुद्धा 2 वेबिनार पण आपण घेतलेले आहेत, जे कृषी पर्यटन तसेच टुरिझम पॉलिसीज ज्या आहेत वेगवेगळ्या, त्याच्या संदर्भातली माहिती देण्यासाठी। आज महाराष्ट्र पर्यटन विभाग द्वारा कॅरवॅन टूर का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्रामीण विभाग से जुड़ी संस्कृति की जानकारी साझा की गई। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।